शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये लाइनें हम लोग दोहराते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज जब हम जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं मान्यवर, अब इस शहीद उधम सिंह जी का नाम इस सदन में लिया गया, बार बार लिया गया मान्यवर, लेकिन साथ ही साथ जब शहीद उधम सिंह जी का नाम लिया गया तो एक दुखदायी खबर जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 16 जनवरी 2018 को शहीद उधम सिंह के पौत्र गुरदेव सिंह जी, 20 लाख का कर्जा था उनके ऊपर, किसान थे, इसके कारण से उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये कौन सी नीतियां हैं, ये कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे शहीदों के परिवार के लोग आज आजादी के इतने साल के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं? सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है। मेमोरियल ट्रस्ट आप बना लीजिए, उसमें बदलाव कर लीजिए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, लेकिन जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है उनके परिवारों का भी ध्यान रखिए, उसके लिए भी कोई योजना और नीति बनाइए। और जब हम जलियांवाला बाग कांड को याद करते हैं मान्यवर, तो अंग्रेजों के अत्याचार को याद करते हैं, उनके जुल्म को याद करते हैं, उनकी जाति को याद करते हैं, हजारों लोग जो वहां मारे गए उनको याद करते हैं मान्यवर। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से, कौन है वो जनरल डायर जिसने कल एक नेत्रहीन शशिभूषण पांडे लड़के को, जो नेत्रहीन लड़का था, उसको अपने जूते से मारता है, लाठियों से पीटता है, कौन है वो जनरल डायर? माध्यम आपसे, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। जेएनयू के छात्रों पर मान्यवर, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से उनके ऊपर उनको पिटवाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पे जब चर्चा होगी तो बोलेंगे इस विषय पे बोले हो रहा। और अभी एक माननीय सदस्य ने कहा मान्यवर, मांग भी यहां पर की गई कि जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे शहीदों के परिवार हैं, खासतौर से जलियांवाला बाग कांड में, उनके लिए आप एक योजना बनाइए उनके हित के लिए। कहा यह गया कि इस सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न नहीं दिया। अरे तो जो पिछली सरकार ने गलती की थी वो तो 55 पर आ गए, उस गलती को आप सुधार दीजिए, आप शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देकर दिखाइए, आप दीजिए शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न, आप दीजिए उन वीर सपूतों को सम्मान, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उसको आप करके दिखाइए। ये आलोचना निंदा राजनीति शहीदों के विषय में करना उचित नहीं है मान्यवर, और इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस मेमोरियल ट्रस्ट में जो भी बदलाव करना है कीजिए, लेकिन जलियांवाला बाग कांड में जो शहीद हुए हैं लोग उनके परिवारों का भी ख्याल रखिए, उनके लिए भी कोई योजना और नीति लेके आइए। बहुत धन्यवाद संजय जी।